आज हम स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज तो एक्चुअल में है ये है क्या यह है यूज या कहें अप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इसको हम टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इस हेडिंग के नाम से भी जानते हैं या इस हेडिंग के नाम से भी जानते हैं एक्चुअल में दोनों सेम है यहाँ पर डिड्यूस कहें या इस्टेब्लिश कहें दोनों का मीनिंग जो होता है अप्रॉक्सिमेटली सेम ही होता है ना हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है या इसे स्टेब्लिश करना है मीनिंग एक ही है जैसा कि हम जानते हैं हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्या यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके पहले हमने टू यूजर्स को स्टडी कर लिया क्या फर्स्ट था टू कन्वर्ट द यूनिट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम टू एन अदर सिस्टम एंड सेकेंड था क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनीटी थर्ड क्या है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या करना है हमें वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है फॉर एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी पी है जहाँ पर हमारे पास यह रिलेशन कुछ इस प्रकार है यानी यह जो फिजिकल क्वांटिटी पी है वह हमारे पास एक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वाई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हमने ऐसा कंसिडर कर लिया ठीक है न तो हमारे पास अगर थ्री फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड हो

और क्या कहना चाहता है तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या कह रहा है द मेथड ऑफ डायमेंसन्स कैन समाइम्स बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटीज अब टू थ्री फिजिकल क्वांटिटीज यानी ध्यान रखना है यहाँ पर जो हम फिजिकल क्वान्ट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे फार्मूला को डिड्यूस करेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ ये क्या क्या होगा ये ध्यान रखना है हम यहाँ पर थ्री फिजिकल क्वांटिटी का ही यूज करेंगे मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी यूज करना ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इसके बाद से हम लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं इसे हम कई बार बता चुके हैं कि लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या कह सकते हैं इसके जो क्राइटेरिया uh, है या हमारे पास कंडीशन है ठीक ना उसके अंदर ही वर्क कर सकता है जैसा कि हम जानते हैं नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है रेशियो का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है ठीक सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी बताता है कि जो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वह रिलेशन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी के अगर हैं मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन है तो नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है या तभी फाइंड आउट किया जा सकता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स अगर कुछ हमारे पास क्या हो जैसे हम कहें का कुछ कांस्टेंट हो कुछ इस प्रकार के जो कि क्या यूनिटलेस लेस हो? यूनिटलेस हो या कुछ ऐसे कांस्टेंट हो जो कि इंडिपेंडेंट हो उस वेरिएबल पर फिजिकल क्वांटिटी पी से क्या हो इस फिजिकल क्वांटिटी पी से इंडिपेंडेंट हो ठीक ना इस प्रकार के हम क्या करेंगे इक्वेशंस की बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें हमारे पास एक फार्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट हमारे पास जो मिलता है फार्मूला क्या है एल अपान जी ना यह फार्मूला मिलता है क्या है टाइम पीरियड ऑफ क्या है टाइम पीरियड किसका है सिंपल पेंडुलम का है अभी इस फार्मूले को हम डिड्यूस करेंगे यहां पर हुई... बात किया जा रहा है डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम इसी फार्मूले का यूज करके डिराइव करके दिखा देंगे तो यहाँ पर क्या है ये जो टाइम दिख रहा है टाइम पीरियड वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पर डिपेंड कर, कर रहा है ठीक इन पर कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं है इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है ये ओनली इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ठीक ये चीज़ कह रहा है कि हमारे पास क्या है थ्री फिजिकल क्वांटिटी है या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एंड कंसीडर इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस मीन्स क्या प्रोडक्ट ही तो दिख रहा है टू पाई क्या प्रोडक्ट ही देख रहा है ठीक अब क्या करें अब इसको हम क्या करें स्टार्ट करते हैं देखा जाए कि कैसे हम फार्मूले को डिराइव करेंगे हम फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हमने कंसिडर कर लिया है लेट फिजिकल क्वांटिटी पी हमने क्या पी क्वान्टिटी कह डिपेंड्स ऑन एनादर फिजिकल क्वान्टिटी एक्स वाई एंड जेड तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो थ्री फिजिकल क्वान्टिटी हैं एक्स वाई जेड उन पर हमारे पास पी जो है वो कुछ इस प्रकार डिपेंड है इस प्रकार डिपेंड मिन्स एक्स वाई एंड जेड इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड विच आर द फंक्शन ऑफ पी ये क्या है फंक्शन ऑफ पी है ठीक ना ये हमारे पास फंक्शन ऑफ पी है तो अब यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि जो पी है ये फिजिकल क्वांटिटी ये इस पर डिपेंड कर रहा है किसके यक्स रेस्ट टू द पावर ए पर यानी कुछ ऐसा डिपेंडेंसी है यानी फिजिकल क्वांटिटी पी इज डिपेंड्स ऑन एक्स रेस्ट टू द पावर ए है सिमिलरली पी जो आल्सो डिपेंड्स ऑन वाई रेस्ट पावर बी हो जाए एंड पी आल्सो डिपेंड्स ऑन जेड रेस्ट द पावर सी तो ये क्या है पी एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है वाई पर भी डिपेंड है एंड जेड पर भी डिपेंड है तो हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं P depends on x डिपेंड्स ऑन the power a, पावर raised to the power पावर and एंड raised to the पावर c. कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसे हम कंसिडर कर सकते हैं इसे बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है आर अब जरा देखें ये मिला तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जरा देखें आर यहाँ पर मिल जाएगा पी इज इक्वल टू जैसा हम देख रहे हैं डिपेंड्स करना मिल्स है प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शन है तो पर क्या कांस्टेंट ले लेते हैं है लिया के के जाता है कंसिडर कर लिया यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसी का यूज करके हमें सॉल्व करना है डायमेंशनलेशस कांस्टेंट कैसा है वेयर के, के हमारे पास क्या है तो के जो है ये क्या है ये डायमेंशनलेस कांसटेंट है डायमेंसन लेस कांस्टेंट, ठीक ये डायमेंसन लेस कांस्टेंट है यानी इसका कोई अपना है कोई यूनिट नहीं है एंड वेयर सॉरी, वेयर ए बी सी ए बी सी क्या है हमारे पर हमने क्या कहा ये रेस्ट टू द पावर है पावर से पावर मीन्स इसे कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स हैं ठीक है एक्सपोनेंट्स हैं और मेनली हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें ये फीचर क्वांटिटी पी एक्स वाई जेड तो हमें पता होगा नोन होगा मेनली हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है और ए बी सी डी जो वैल्यू हो सकती हैं वो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं तो ए बी सी की जो हमारे पास वैल्यू मिलेंगे ये क्या एक्सपोनेंट्स हैं इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो ज़ीरो भी हो सकती है वन हो सकती है टू हो सकती है थ्री हो सकती है ठीक है फोर हो सकती है एंडस वन हो सकती है इसके अलावा क्या हो सकती है ये माइनस में भी आ सकती है माइनस वन हो सकती है माइनस टू मिल सकती है माइनस थ्री मिल सकती है एंट्स वन मिल सकती है ठीक इसके अलावा ये फ्रैक्शनल में भी आ सकता है यानी हम क्या टीजर में देखें निगेटिव टीजर पॉजिटिव टीजर यहाँ पर होल नंबर की बात करें जीरो भी आ गया ठीक इसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है वन अपॉइन टू हो सकती है टू अपॉइन थ्री हो सकती है थ्री अपॉइन टू हो सकती है ना या कोई भी ये पॉजिटिव हमारे पास फ्रैक्शन था ये निगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है निगेटिव फ्रैक्शन भी शो कर सकते हैं तो माइनस हो सकता है माइनस टू अपॉइन्ट थ्री हो सकता है माइनस थ्री बाई टू हो सकता है यानी यहाँ अपने कहने का सेंस ये है कि जो ए बी सी एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं इनकी वैल्यू ये हमारे पास मिले यानी पॉजिटिव नंबर मिले जीरो मिले नेगेटिव इंटीजर मिले फ्रैक्शन जो पॉजिटिव मिले या इसे फ्रैक्शन पार्ट जो है ये नेगेटिव मिले ये वैल्यू कुछ भी उस प्रकार की हो सकती है यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है अभी हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ केस में वैल्यू जो मिलेंगी वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी क्या करना होगा अब यहाँ जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे उन्हीं वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे और वही क्वेश्चन वन में पुट करने वाद से जो हमको रिलेशन मिलेगा वही रिलेशन कहला जाएगा

और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो देखा जाए न्यूमेरिकल्स क्या है पीरियड टी यही हमारे पास फार्मूला है जो अभी हमने यहां पर लिखा था अभी हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा था ना इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपन जी इसी फार्मूले को हम डिराइव करने वाले हैं ठीक ना तो जरा देखें क्या कह रहा है द टाइम पीरियड टी ऑफ आसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए सॉरी यहाँ पर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए पेंडुलम होगा ये वाला टर्म जो दिख रहा है एक अगेन टू टाइम्स हो गया बाय मिस्टेक्स इससे कोई बात नहीं है ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल हमने कंसिडर कर लिया जैसे हमने क्या किया यहाँ पर हमारे पास एक पेंडुलम है ये इस प्रकार का ठीक ना ये बॉब लगा हुआ है ये हमारे पास पेंडुलम है और ये क्या क्या, क्या? रिज सपोर्ट से हैंग कर दिया गया है जिसका हमारे पास क्या है लेंथ जो हमारे पास यहाँ से इसके जस्ट मिडिल तक का लेंथ मेजर किया जाता है ठीक ना तो इसका जो जो बॉब होता है बॉब को मिडिल से इस जो हमारे पास ज्वाइंट पॉइंट है इसके लेंथ को हमने एल कंसिडर कर लिया ठीक ना तो क्या क्या है लेंथ एल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स वर्क करेगा यानी हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास एम हो जाएगा ठीक ना तो यहाँ पर क्या डिपेंड कर रहा है इसके एक्सलेशन डू टू जो ग्रेविटी वर्क कर रही है उस पर भी डिपेंड कर रहा है उसको क्या कहा गया एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी जी एंड मास ऑफ बॉब यानी जो हमारे पास ये बॉब दिख रहा है इसके मास यम पर भी ये डिपेंड कर रहा है ठीक ना हमने कंसिडर कर लिया तो क्या कर रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव फार्मूला फॉर द पीरियड ऑफ आइसिलेशन यानी हमारे पास क्या है मेनली अगर कहा जाए तो हम यही फार्मूला फाइंड आउट करना है हम यहाँ पर वैसे तो फार्मूला लिख दे रहे हैं ठीक इसी फार्मूले को हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो फार्मूला दिख रहा है टी इज इक्वल टू टी क्या है टाइम पीरियड ऑफ आइसिलेशन है टाइम पीरियड ऑफ आइसिलेशन है इसी फार्मूले को हमें डिराइव करना है ठीक है तो इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए कहा भी गया है कि जो टाइम पीरियड टी है ये किस पर डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है लेंथ लेंथ ऑफ द बॉब ए सॉरी लेंथ ऑफ द हमारे पास जो पेंडुलम है ठीक ना तो पेंडुलम का लेंथ है हमने कंसिडर कर रही लेंथ डिपेंड्स ऑन रेस्ट टू पावर ए पावर ए पर डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट आ गया है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कंसिडर कर लिया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेस्ट टू पावर सी यानी पावर बी सॉरी पावर बी पर डिपेंड कर रहा है एंड मास जो टर्म है रेस्ट टू पावर सी पर डिपेंड कर रहा है ठीक इस पर डिपेंड कर रहा है आर इसे करें तो हम क्या पाएंगे आर टी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर के एल ए जी बी एंड यम सी यहाँ पर मिल गया ठीक हमने क्वेश्चन वन का कर लिया जैसा हम बताए हैं वेअर यम सॉरी वेयर के वेयर के जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या मिलेगा क्या मिलेगा मिले तो के हमारे पास यहाँ पर है डायमेंशनलेस कांस्टेंट कांसटेंट डायमेंशन लेस इसके पहले भी अभी हम जस्ट बताए हैं ठीक ना एंड ए बी सी आर द एक्सपोनेंट्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिनके वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो अभी हमने जो यहाँ पर थियोरी थी एक्सप्लेनेशन था उसमें यहीं तक देखे थे लेकिन हमें क्या करना है हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसलिए क्या करना पड़ेगा हमें इस इक्वेशन वन के एल एच एस एंड आर एच एस साइड में दोनों फंक्शन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा तो लिखा जाए डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड यानी एल एच एस साइड तो एल एच एस में है क्या टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फार्मूला मिलता है वो टी मिलता है ये तो मिलता है ये मिल गया आर में दिखा रहे आर एच में क्या कहा गया ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा ठीक एल क्या है एल लेंथ है लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है ठीक है पावर ए वो तो रहेगा ही रहेगा नेक्स्ट जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इससे हम कई बार पढ़ चुके हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस टू होता है अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक एंड यम क्या है तो यम के बारे में कहा गया है क्या कहा गया मास ऑफ बाब यानी यह क्या है एक मास है तो मास हमारे पास ये मिल जाएगा पावर यहाँ पर यहाँ पर पावर बी मिलेगा यहाँ पर पावर सी मिल जाएगा ठीक अब जरा इसे कुछ बैलेंस कर लिया जाए इस इक्वेशन को कुछ बैलेंस कर लिया जाए तो इससे चाहे हम इस इक्वेशन को चाहे तो हम एम पावर जीरो लिख सकते हैं जीरो का मतलब वन हो गया यानी हमारे पास ये वैल्यू इतना ही है ठीक है L के पावर भी जीरो और T के पावर यहाँ पर वन लिख दें ठीक है हम चाहें तो इस प्रकार भी इस इक्वेशन को लिख देंगे ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि M के पावर जीरो है L के पावर जीरो है पावर जीरो का मतलब होता है जैसा कि हम जानते हैं एक्स पावर हमारे पास यहाँ पर जीरो आ जाए तो इसकी वैल्यू वन आ जाती है ठीक है यहाँ पर हमारे पास टेन के पावर जीरो हो जाए तो भी वैल्यू वन आ जाती है ये बात सबको पता है ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पावर जीरो मीन्स इसकी वैल्यू वन है और वन हमारे पास नंबर हो जाता है इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है ठीक हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को आ इजी करने के लिए इजी करने के इस प्रकार लिख रहे हैं क्योंकि हमें आगे कंपेरिजन जो करना है हमें आसानी से कंपेयर किया जा सके एक्सपोनेंट्स को ठीक अब देखें इसमें सबसे पहले यम टर्म बताएं यहाँ यम के टर्म को लिखो तो यम के टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है सी दिख रहा है यहाँ पर यम का टर्म है पावर सी ही तो आएगा तो यम के पी सी हमने पहले ले लिया ठीक है सेकंड जरा देखें एल आ रहा है तो यल जरा देखें यहाँ पर एल है लेकिन पावर ए है लेकिन एक एल यहाँ भी है तो यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है बी दिख रहा है यानी प्लस के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है पावर बी आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर टी के दिख रहा है तो यहाँ पर हम इसको न यूज करें भले ही इसे एक ही ब्रैकेट में मिल जाएगा टी माइनस टू और बी है तो यानी माइनस टू बी आ गया ठीक हमारे पास ये फार्मूला मिल गया ये हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन लिख ये लिक एक ही ब्रैकेट में है बिग 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 ब्रैकेट में अब क्या किया जाए हम यहाँ पर एल एच एस एंड आर एच एस साइड को जरा देखें ई एम यहाँ भी है ई एम यहाँ भी है एल यहाँ भी है एल यहाँ भी है टी यहाँ भी है टी आई मीन्स हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास है जो क्वांटिटी दिख रही है यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला तो सेम है बस इनके पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पर जीरो दिख रहा है यहाँ भी जीरो यहाँ वन जबकि यहाँ पर सी ए प्लस बी और यहाँ माइनस टू भी दिख रहा है तो क्या कर दिया जाए कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड यानी क्या कर दिया जाए यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स यहाँ क्या कर दें एक्सपोनेंट्स जो हमारे पास हैं एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स क्या कर दिया जाए हम बोथ साइड इसको कंपेयर कर दें क्या कर दें कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने पर हमें स्पेलिंग जरा रहेगा यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ठीक तो कंपेयर पर ज़रा देखें यहाँ पर पहला टर्म ये हम पहले कंपेयर करें तो सी इज इक्वल टू जीरो मिल गया इसे क्वेश्चन नंबर टू बना देते हैं मिल जाएगा अरे देखें पावर सी है पावर जीरो है ठीक इसलिए हमने इसको लिखा था या लिखने का रीज़न यही था फिर यहाँ पर ज़रा देखें ए प्लस बी दिख रहा है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ भी जीरो मिल जाएगा ठीक इसे क्वेश्चन नंबर थ्री बनाते हैं आगे भी हम इसे सॉल्व करने वाले हैं इनका यूज करने वाले हैं ठीक एंड जरा देखें इसको माइनस टू बी जो दिख रहा है तो माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है पावर वन दिख रहा है ठीक अगर ये ऐसा है तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं आर बी इज इक्वल टू माइनस टू को साइड ट्रांसफर कर दें तो माइनस वन अपॉन टू तो हमने देखा क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे इक्वेशन फोर बना देते हैं ठीक तो हमें सी की वैल्यू मिल गया यहाँ पर हमने क्या किया सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया अब हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है तो क्या कर दें इसी ए को जो हमारे पास ए दिख रहा है इस ए को यहाँ पर पुट कर दें यहाँ पर ए की वैल्यू को यहाँ पर जो दिख रही है बी की वैल्यू को इस क्वेश्चन पुट कर दें तो ए प्लस क्या मिलेगा माइनस वन अपॉइन टू इज इक्वल टू जीरो जैसा कि हम देखें ए प्लस बी है लेकिन यहाँ पर माइनस था हमने माइनस यूज किया इसे हम लिख सकते हैं आर ए माइनस वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो आर ए इज इक्वल टू वन अपॉइन टू इसे क्वेश्चन नंबर फाइव बना देते हैं ठीक तो हम क्या देख रहे हैं हमें देख रहे हैं हमें ए की वैल्यू मिल गया बी की वैल्यू मिल गया सी की वैल्यू मिल गया तो करना क्या है हमें ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देना है तो क्या कर दें पुटिंग द दे वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में तो क्या मिलेगा टी इज इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन वन देखें रहे की वैल्यू तो हमें के रखना ही पड़ेगा इसे तो के हमें क्या दिख रहा है के हमने बता चुका है क्या ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म दिख रहा है वो एल है तो एल की वैल्यू बट पावर यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है तो हमको यहाँ पर पावर जो दिख रहा है ये ए, ए दिख रहा है ठीक ना तो ए की वैल्यू क्या है वन अपॉइन टू है तो पावर टू हो गया जी ये क्या नेक्स्ट टर्म जी दिख रहा है जी के पावर बी है और बी का पावर क्या है माइनस वन अपॉइंट टू है एंड नेक्स्ट टर्म क्या है यम है तो यम के पावर सी है यहाँ पर पावर जीरो आ गया ठीक है यहाँ पर पावर जीरो आ गया अब जरा देखें इस इक्वेशंस को इस इक्वेशन को कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या के लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं क्या एल अपान जी और पावर वन अपॉन टू क्यों क्योंकि यहाँ पर पावर जी का माइनस है यहाँ प्लस है जैसा कि हम इसके पहले बताए भी हैं कि जो पावर हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कुछ भी वैल्यू मिल सकती है हमने कहा जीरो भी मिल सकता है निगेटिव भी मिल सकता है फ्रैक्शन भी मिल सकता है तो हम देख रहे हैं एक जीरो मिला है एक पॉजिटिव फ्रैक्शन एक निगेटिव फ्रैक्शन हमें यहाँ पर इस प्रकार के वैल्यू को फाइंड आउट हुआ है मिला है ठीक जैसा हम जानते हैं यहाँ पर एक्स टू द दावर हाफ हो तो इसे हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं क्या एक चीज़ और यहाँ पर देखा जाए इसे तो हम लिख तो सकते ही हैं लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास है पहले इसको लिख ही दिया जाए T इक्वल टू के और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या अंडर रूट एल अपन जी ठीक ना अब जरा यहाँ पर K के, के वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ K आ रही है यहाँ पर इसको जरा देखा जाए तो एक्चुअल में जो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है या इन अदर मेथड से इस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमको ये मिलता है के वैल्यू टू पाई आती है हमने पहले भी कहा था कि हमें जो फार्मूला फाइंड आउट करना है वो फार्मूला यही आएगा तो क्या देख रहा है टी इजल टू टू पाई अंडर रूट एल अपान जी तो वही तो हम देख रहे हैं टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपान जी मीन्स इनादर एक्सपेरिमेंट जब किया गया नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर हम ये देखें की वैल्यू टू पाई आती है एक्चुअल में डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ये इसके ड्राबैक है आज हम ड्रॉबैक पढ़ने वाले हैं ठीक तो क्या करें इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो देर फोर क्या मिल जाएगा टी इज इक्वल टू अब के, के प्लेस अब क्या पढ़ेंगे पुट करेंगे टू पाई पुट करेंगे तो टू पाई और यहाँ पर मिल गया क्या हमको यहाँ पर मिल गया एल अपांची वही तो क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने कहा था फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के बाद कहा था यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दिख रही है ये इक्वेशंस को हमने प्रूफ करने के बाद कहा था वही क्वेश्चन तो भी दिख रही है तो हमारे पास इक्वेशन मिल गए क्या टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपान जी तो हमें करना क्या था इसी क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था ये डिड्यूस करना था जो यहाँ पर अभी हेडिंग में ही कहा गया था क्या कहा गया था कहा गया था टू डिड्यूस द यहाँ पर क्या गया डिड्यूस करने की बात कही गई थी या इस्टेब्लिश कहा गया था क्या कहा टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वान्टिटी या डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल वेरियस क्वान्टिटी तो हमने यहाँ पर इसे प्रूफ किया और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी अच्छे से जानने कोशिश किए थैंक यू